दोस्तों, भारत का फ्यूल एक्सपोर्ट रिसेंटली उसका जो रूट है वो चेंज हो रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या भारत ने कभी फ्यूल को एक्सपोर्ट किया है? ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है। भारत के अंदर तो इतना क्रूड ऑयल नहीं है, हम तो खुद इंपोर्ट करते हैं और विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट लार्जेस्ट जो कंट्री है ऑयल को इंपोर्ट करने वाला वो इंडिया है। लेकिन हम लोग आखिरकार फ्यूल को एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और ये एक्सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो हमारे पास में कहां से आया है? यहां पर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट टू यूरोप शिफ्ट एंटायरली टू लार्ज रूट। पहली बात तो यह है कि आखिरकार कौन से लार्ज रूट की बात कर रहा है और जिस एक्सपोर्ट की बात कर रहा है फ्यूल के अंदर, ये फ्यूल हमारे पास में आया कहां से और इसको हम लोग यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो पूरा का पूरा रूट जो है वो गुजर रहा है अब अफ्रीका और अटैक्स ऑन शिप्स इन रेड सी, क्योंकि रेड सी के अंदर हमारे शिप्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, इसीलिए एंटायरली जो रूट है उसको शिफ्ट कर दिया है हमने कैप ऑफ गुड होप की तरफ। लेकिन हमने कभी भी जो है वो फ्यूल को एक्सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन कहते हैं कि जिसने मौके पर चौका मारा है, छक्का मारा है, वही जो है विजेता होता है। इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट हिट रिकॉर्ड हाई इन अप्रैल 2024। तो ये बेसिकली डिमांड जो है भारत के अंदर वो अचानक से कैसे बढ़ने लग गई और इंडिया का ऑयल इंपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड हाई पर कैसे पहुंच गया है अप्रैल 2024 के अंदर। यहां पर आप लोग इस ग्राफ के अंदर देखिए, जनवरी 2023 की बात करें तो हमारे यहां पर 20.2% था, जबकि अब देखिए अप्रैल 2024 के अंदर ये 21.4 मिलियन टन्स के आसपास में पहुंच चुका है। तो ये जो रीडिंग आप लोग देख रहे हैं ये मिलियन टन्स के अंदर है। अप्रैल 2024 के अंदर इतना तेल जो है आखिरकार हम लोग इंपोर्ट कहां पर कर रहे हैं। इंक्रीज रशिया शेयर इन टोटल इंपोर्ट टू 40% फ्रॉम रफली 30% इन मार्च 2024। मार्च के अंदर जो 30% हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते थे फ्रॉम रशिया, उसको इंक्रीज करके हमने 40% कर दिया है। और इसके अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रहे थे। हम लोग रिलायंस की बात करेंगे, रिलायंस काम कर रहा है, नायरा एनर्जीज इसके अंदर काम कर रहा है और इन्होंने लगभग 770,000 जो बैरल्स है पर डे उसको क्या किया है, इंपोर्ट किया है। लेकिन अचानक ये शिफ्ट कैसे हुआ? आप लोग को पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में फरवरी 2022 के अंदर युद्ध छिड़ा था। तब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे कि रशिया गैस जो है वो सप्लाई नहीं करेगा यूरोप को, नेचुरल गैस सप्लाई नहीं करेगा और जितना भी इंपोर्ट किया जाता है रशिया से ऑयल को वो भी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। यहां तक कि और जो भी देश थे उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए गए थे कि कोई भी देश जो है वो रशिया से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट नहीं करेगा, ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेगा। अब रशिया के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है कि वो अपने ऑयल को कहां पर एक्सपोर्ट करे। भारत एक ऐसा कंट्री था, उसको पता था कि इंडिया जो है वो हमारा साथ देगा और इंडिया ने भी मौके पर चौका मारा और इंडिया ने क्या किया कि इंपोर्ट किया रशिया से ऑयल को, क्योंकि और कहीं तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। इसलिए इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम लोग रशिया से इस ऑयल को इंपोर्ट करें और उसको यूरोप के अंदर भिजवा दें। मतलब फाइनली वो पहुंचना तो यूरोप के अंदर ही है, लेकिन वो इंडिया के रूट से होते हुए फिर वो यूरोप के अंदर पहुंच रहा है। यहां पर सैंक्शंस लगाने वाले देशों के अंदर यूएसए नंबर वन पर था। यूएसए ने इस रूट को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि अगर यूरोप के अंदर ऑयल क्राइसिस हुआ तो फिर यूरोप के अंदर ऑयल को सप्लाई करने वाला कोई भी देश नहीं बचेगा। इसलिए भारत को चेतावनी जरूर दी गई कि आप ऑयल जो है वो रशिया के साथ में इंपोर्ट मत कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, लेकिन फिर भी इंडिया ने जो है सस्ते दामों पर रशिया के साथ में ऑयल को, ऑयल का ये ट्रेड किया। साथ ही में रशिया ने यह भी कहा कि हमको जो करेंसी है वो डॉलर्स के अंदर नहीं चाहिए, हम रुपीस के अंदर ही काम चला लेंगे। और फायदा किसका हुआ? इंडिया का फायदा हुआ और जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोप के अंदर भेजने लग गए। लेकिन ये जो यूरोप के अंदर भेजने का जो ट्रेड रूट था ये बड़ा इंपैक्ट हुआ है, इसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। आप लोग हमारे 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस हम लोग करने वाले हैं। 10,000 कूपन कोड यूज करके आप लोग इस बैच के साथ में जुड़िए, काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोगों को ये बैच अवेलेबल होगा। और इंडिपेंडेंस डे सेल जो है वो आज लास्ट है, आप लोग जरूर इसका लाभ उठाइएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि पोर्नोग्राफी के लिए है, इसमें हम लोगों ने टेक्निक्स बताई हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक जो रिसर्च है इसके ऊपर बेसिस है कि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रह सकते हैं। एक बार अगर आप में वाकई में हिम्मत है तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। इंडिया के पास में दो ट्रेड रूट्स हैं। अगर यूरोप को ऑयल पहुंचाना है तो हमारे पास में दो ट्रेड रूट्स हैं, या तो हम लोग पहुंचे
हम या तो हम लोग पहुंचे इस वाले रास्ते से जो कि जाता है रेड सी से होता हुआ फिर यूरोप के अंदर, और दूसरा हमारे पास में रास्ता है कैप ऑफ गुड होप से, तो कैप ऑफ गुड होप होते हुए हम लोग यहां तक जाके पहुंचे। लेकिन रिसेंटली रेड सी के अंदर हो क्या रहा है, देखिए रेड सी के अंदर हमारे पास में दो स्टॉपेज हैं, एक तो है स्वेज कैनाल और दूसरा है बाब अल मंदे वाटर स्ट्रेट। इन दोनों को ही जो है वो बाधित कर रखा है हुतीज ने। रेड सी से अगर हम लोग जाते हैं तो हमको पूरा ये जो रास्ता है वो पड़ता है 2000 किलोमीटर का, 2000 किलोमीटर पास होकर हम यहां से गुजर सकते हैं। बाब अल मंदेव जो वाटर स्ट्रेट है वो यमन के नजदीक है, और यमन के नजदीक होने के कारण जो हूती विद्रोही हैं, रेबल्स हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी शिप्स यहां से गुजरते हैं खास तौर पर इजरायली, यूएसए या इंडियंस जो शिप हैं वो अगर यहां से गुजरते हैं तो फिर उनको वो कैप्चर कर लेता है, उनको बंदी बना लेता है, किडनैप कर लेता है। इसीलिए यहां से ट्रेड कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। हां, अगर यहां से रशिया का कोई जहाज गुजरे तो उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये वाला रूट हम लोग अपना रहे थे तो ये 2000 किलोमीटर का रूट पड़ रहा था, और ये बाब अल मंदेव जो वाटर स्ट्रेट है इसकी इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है, ध्यान रखना 26 किलोमीटर है, और 16 माइल्स जो है वो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। खैर 2000 किलोमीटर का जो रूट था वो शॉर्टेस्ट रूट था, काफी छोटा था। अब हमको यहां से गुजरना पड़ रहा है कैप ऑफ गुड होप से। इसमें नुकसान क्या है, सबसे पहला नुकसान है कि ये रूट जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। इस रूट की जो लेंथ है वो है 8900 किलोमीटर, पहली बात तो ये है, और इसको पार करने के अंदर हमको 14 डेज एक्स्ट्रा लगते हैं, 2 वीक्स का टाइम जो है एक्स्ट्रा लगता है। इसके लिए टाइम भी हमको ज्यादा लग रहा है, साथ में फ्यूल भी हमारा ज्यादा खर्च हो रहा है, पैसा उतना ही मिलना है, तो नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। लेकिन ये कैप ऑफ गुड होप जो है वो एक बेहतरीन ट्रेड रूट इसलिए भी है क्योंकि काफी सेफेस्ट है, बहुत सेफ रूट जो है ये माना जाता है। इस मैप में देखिए आप लोग, ये बेसिकली क्या है, कैप ऑफ गुड होप का एक रूट है। इस रूट को पूरा करने के लिए हमको 2 वीक एक्स्ट्रा लगते हैं, और 8900 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करना पड़ता है। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट रूट की बात करें, यहां पर 2 स्टॉपेज हैं, एक तो बाब अल मंदेव है और दूसरा है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो बाब अल मंदेव है इसमें रेड सी यहां पर है, और रेड सी के अंदर ये जो यमन का एरिया आप लोग देख रहे हैं यहां पर हूती रेबल्स हैं जो कि उन शिप्स को कैप्चर करते हैं, किडनैप कर लेते हैं, वहां पर जितने भी जो क्रूज यानी कि क्रू मेंबर्स होते हैं। अब बेसिकली पूरे वर्ल्ड का 30% जो कंटेनर है वो यहीं से जाता है, इसके साथ में 7 से 10% जो है क्रूड ऑयल वो यहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, 8% लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। मतलब रूट तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट होने के कारण भी यहां पर कई जो है वो परेशानियां हैं। देखिए अब हमको गुजरना कहां से पड़ेगा, हम लोग यहां से गुजर रहे थे, रूट चेंज हो गया है, किसकी तरफ, कैप ऑफ गुड होप की तरफ। कुछ आंकड़े जो है वो हम लोग को देखने की जरूरत है। ये जो ईरान है, ईरान ही सपोर्ट करता है किसको, हूतीज को। मैंने आप लोग को बताया था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर जो एक्सिस है वो बेसिकली ईरान है, और ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्ला को जो कि लेबनान के अंदर है, ईरान सपोर्ट करता है हूतीज को जो कि यमन के अंदर है, ईरान सपोर्ट करता है हमास को जो कि कहां पर है, गाजा के ऊपर है। इन सभी रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है ईरान, और इनमें से हूती जो है वो डिस्टर्ब करता है पूरे की पूरे रेड सी को। इसीलिए हम लोगों को ये रूट जो है वो चेंज करना पड़ रहा है, रेड सी वाला रूट जो है उसको हमको चेंज करना पड़ रहा है एंटायरली कैप ऑफ गुड होप से। लेकिन क्या वाकई में इतना ट्रेड होता है, देखिए यहां पर ये जो ब्लू आप लोग देख रहे हैं, ब्लू बार्स जो देख रहे हैं आप लोग, ये ट्रेड है किसका, कैप ऑफ गुड होप का। और हम लोग जो फ्यूल को एक्सपोर्ट करते हैं रेड सी से वो कितना है, यहां पर देखिए वो बहुत कम है, मतलब मार्च के अंदर देखें तो काफी कम है, 24.96 है, अप्रैल के अंदर तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया है, मई के अंदर 37.66 हो गया है, लेकिन कैप ऑफ गुड होप से हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे सेफेस्ट रूट जो है वो कैप ऑफ गुड होप है। लेकिन एंटायरली अगर हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो हमारे लिए एक छोटी सी परेशानी ये हो जाएगी, ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, छोटी परेशानी है कि हमको इकोनॉमिकली थोड़ा सा इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा अपने ट्रेड रूट्स को लेकर। तो ये बेसिकली क्या है, इंडिया के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी के लेकर जो है वो थोड़ा सा हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट टू यूरोप इन जुलाई वर नियरली फ्लैट सिक्वेंटली एट ए लिटिल ओवर 2 लाख, मतलब 2,76,000 बैरल्स पर डे जो है वो हम लोगों ने क्या किया है, पर डे के हिसाब से हमने इसको एक्सपोर्ट किया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, रूट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और ये हुआ क्यों है, क्योंकि रशिया
फॉर एनर्जी इंपोर्ट्स, हमने हैविली जो है वो डिपेंड हो गए हैं हम लोग किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। क्रूड ऑयल हम लोग वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में आता है और इंडिया से हम लोग रिफाइन करके कहां भेज रहे हैं, यूरोप के अंदर भेज रहे हैं। और रशिया ने हमको दिया क्यों, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में फरवरी 2022 से इन्वेजन चल रहा है और रशिया से कोई भी ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर रहा था, तो हमने कहा कि हम पुराने साथी हैं आपके, आप हमें ही जो है वो इसको सेल कर दीजिए। हमने खरीदा भी, कम दाम में खरीदा और फिर उसको यूरोप के अंदर भेजना शुरू कर दिया। यूएसए ने हमको बड़ा ही जो है वो इसके अंदर थ्रेट किया था कि भाई आप जो है रशिया से इंपोर्ट मत कीजिए, लेकिन फिर भी हमने इंपोर्ट किया। अब देखिए कि चाहे कुछ भी हो, इंडियन इकोनॉमी जो है वो बूम होनी चाहिए, चाहे हम लोग कैप हॉप गुड हॉप से करें या फिर हमको कोई दूसरा रूट जो है वो अपनाना पड़े, लेकिन रेड सी वाला ये जो रूट है ये उन तमाम देशों के लिए अब खतरा बन चुका है जो कि इसराइल के सपोर्टर्स है, जैसे इसराइल है ना, इसराइल के जैसे पास के देश हैं, अरब कंट्रीज कुछ हो गई हैं, फिर यूएसए हो गया है, कनाडा हो गया है, यूरोपियन कई कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया है, इन सबको लेकर जो है थोड़ा सा खतरा बना हुआ है। चलिए आप लोग हमारे 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हम लोग कंप्लीट करेंगे यहां पर अगले 3 महीनों के अंदर। 10,000 कूपन कोड आप लोग को यूज करना है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग हमारे 75 डेज के इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि आप अपने स्टडीज के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को फ्रेश रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर बड़ा कूड़ा करकट जो है भरा हुआ है, खासतौर पर पोर्नोग्राफी का। मैं चाहता हूं कि वो कूड़ा करकट बाहर निकले। 75 टेक्निक्स का आप लोग इस्तेमाल कीजिए, 75 चैलेंजेस मैंने आप लोग को दिए हैं और 75 रियल स्टोरीज मैंने बताई है ताकि उनके माध्यम से आप लोग सीख पाएं। इस चैलेंज को आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।